कपड़ा आएगा प्योर रेयन कॉटन, प्योर रेयन कॉटन। ये देखो जी, शर्त सिर्फ एक है कि कपड़ा आपने कहां से खरीदा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक मैं एक ही बात पे फोकस करता हूं कि कपड़ा जितने हाथों में से निकलेगा ना भाई साहब, उतना ही महंगा होता चला जाएगा। एक फॉर्मूला भी जो मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगा, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा कोई फॉर्मूला जो ऐसा है जो आपके व्यापार में काम नहीं करेगा। व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो कपड़ा वहां से खरीदो जहां से वो चीज बन के निकली। अरे भाई साहब, अभी तो दुपट्टा देखो जरा इसका, प्योर मशलीन का दुपट्टा आएगा भाई साहब। दुपट्टा 400-500। ये देखो जरा दुपट्टा, देखो प्योर मशलीन का, पूरा 3 हेड का काम आएगा। मतलब हैवी से हैवी अगर 100 किलो की भी लेडी होगी ना तो उसके सूट में दामन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब राजीव मुझे ईमानदारी से बताओ, डंके की चोट पे बताओ, लाल किले की प्राचीर पे खड़े होके प्रधानमंत्री भाषण देता है ना, वहाँ खड़े होके बताओ कि कौन सा सूट ऐसा है जो 500 में नहीं बिक सकता। कोई भी बिक जाएगा भाई साहब, 800 का बेचोगे ना तो 800 का बिक जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, थोड़े के बाद ज्यादा मिलेगा तो आपको खुशी होगी। तो स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लगा लेडीज सूटों के मैन्युफैक्चरर जिनका नाम पूरे भारत में फेमस है, राधे राधे परिवार। आइए मैं मिलाता हूँ ऑनर से। हाँ सर, इस बार क्या लेके आए व्यूअर के लिए? सर मैं बहुत कुछ लेके आता हूँ, बहुत कुछ दिखाता हूँ, लेकिन जो जानकारी मैं देता हूँ ना उसके दो फायदे जो इंसान कपड़े का व्यापार कर रहा है या करना चाहता है उसको मिलता है, और वो ये कि अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप काम करते हो, कपड़ा मुझसे लेना या मत लेना, मैं दो बातों की गारंटी आपको कागज पर लिख के देता हूँ कि 1 रुपया जो कपड़े के व्यापार में आपने लगा रखा है या आप कपड़े का व्यापार करके लगाना चाहते हो तो उसमें नुकसान आपको नहीं लगेगा, और जो तरीका मैं बताऊं उससे आपका व्यापार 100% चलेगा। और किसी भी व्यापार को करने के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक तो वो काम चलना चाहिए और दूसरा उसमें नुकसान नहीं लगना चाहिए। मैं पहले राधे राधे परिवार के बारे में आपको बता देता हूँ। राधे राधे परिवार दिल्ली चांदनी चौक में स्थित है, लेडीज सूट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। 120 रुपए से हमारा सूट शुरू होता है और 1500 रुपए आके खत्म हो जाता है। हमारी 3 चीजें हैं जो सबसे खास हैं, जो हमारे अलावा पूरे हिंदुस्तान में किसी कपड़े वाले के पास आपको नहीं मिलेंगी, चाहे आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो। मेरी एक तो कोई चीज कभी खत्म नहीं होती क्योंकि मैं कपड़ा अपना बनाता हूं। दूसरा, जो कपड़ा जिस रेट से आप देखोगे वो कपड़ा जिंदगी भर आपको उसी रेट से मिलेगा, ना 1 रुपए कभी बढ़ेगा, ना 1 रुपए के लिए आपको कभी सोचना पड़ेगा, ना पूछने की जरूरत है, क्योंकि मैं कपड़ा अपना बनाता हूं। ये मेरी दो पहचान है जो इस बात को साबित करती हैं कि मैं कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो, कपड़ा आप कहीं से भी लो, मैं नहीं कहता मुझसे लो, लेकिन आप देख समझ के लेना, क्योंकि कपड़ा जितने हाथों में से निकलता है ना भाई साहब, उतना ही महंगा होता चला जाता है, और जितना महंगा आपको मिलेगा या तो बिकेगा नहीं, और बिक गया तो ग्राहक दोबारा वापसी आपके पास आएगा नहीं। हमारा शोरूम जो है वो दिल्ली में है, चांदनी चौक में। संडे की छुट्टी होती है, संडे के अलावा रोज़ खुलता है दोपहर 12 बजे, 12 से लेकर 8 बजे का टाइम है। चांदनी चौक में 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर आप राधे राधे परिवार में आना चाहते हो तो आप बाई ट्रेन आते हो, बाई बस आते हो, बाई मेट्रो आते हो, या अपना कन्वेंस लेके आते हो, तो 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे संडे को छोड़ के 12 से 8 के बीच में, तो हमारा एग्जीक्यूटिव आपको लेके भी जाएगा। कहां से लेके जाएगा? चांदनी चौक में सबसे फेमस है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, उसके बराबर में है गली पराठे वाली, वहां पर आके कॉल करेंगे तो हमारा एग्जीक्यूटिव आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देगा, लेके भी जाएगा, उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है तो आपको छोड़ के भी आएगा। हिंदुस्तान के हर कोने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ किराया लगेगा आपका। किराया कितना लगेगा ये मैं आपको स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के जब ये हमारा सोच आप तक पहुँचेगा तो आपको ऐसा लगेगा यार 50 रुपये तो मेरा किराया लग जाएगा। 2 रुपये सूट से लेके 5 रुपये सूट के बीच में पूरा हिंदुस्तान कवर होता है। पैकिंग, फॉरवर्डिंग, हैंडलिंग और रिसीविंग टोटल फ्री है, उसका कोई खर्चा नहीं है। किराया आपको कब देना है? जब माल आपको आपके डेस्टिनेशन पर मिल जाएगा। माल आपका पूरा इंश्योरेंस होके जाएगा, जब तक आपको माल नहीं मिल जाएगा उसकी हमारी जिम्मेदारी है, और इंश्योरेंस का भी 1 रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से हमारा माल जाता है। हिंदुस्तान के हर कोने का टेस्ट है। ये जो मैं आपको पैकिंग दिखा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि मेरा माल जाता है इतने जगह या इतनी क्वांटिटी में जाता है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हिंदुस्तान के हर कोने का टेस्ट आपको मेरे पास मिलेगा। आपको हिंदवानी टेस्ट लेना है, आपको मोमडन टेस्ट लेना है, आपको कश्मीरी टेस्ट लेना है, आपको हिमाचली टेस्ट लेना है, आपको मेवाती टेस्ट लेना है, आपको पंजाबी टेस्ट लेना है, हर तरीके का टेस्ट मिलेगा। अभी मेरा माल जा रहा है हमीरपुर। हमीरपुर है जिला हिमाचल प्रदेश का, वहाँ एक जगह है जलालपुर। अब हमीरपुर हिमाचल में है, हिमाचल का टोटल एक एक जिला मेरे पास है। हिमाचल में हमीरपुर, बद्दी, सोलन, शिमला, मंडी, भुंतर, ऊना, नदौन, पडरौना, ये पूरी बेल्ट मेरे पास है। अभी मेरा माल जा रहा है रांची। रांची बोले तो झारखंड का एक जिला है। अब झारखंड में गिरडी, गोड्डा, डाल्टनगंज, हजारीबाग, रांची, जमुई, दुमका, बोकारो स्टील और गढ़वा। अब ये कोई मुझे कोई रट्टा थोड़ा मार रखा है मैंने,
ये मेरा माल जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप जुड़ो राधे राधे परिवार से। कि क्या सोच है राधे राधे परिवार की कि जिस रेट से बड़े दुकानदार को बड़े से बड़े होलसेलर को कपड़ा दिया जाता है उसी रेट से अगर आप अपने शहर में अपने गाँव में अपनी गली में अपने कुछ में बैठ के कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपको उसी रेट से कपड़ा मिलेगा। अभी मेरा माल जा रहा है मोहम्मदपुर जी। मोहम्मदपुर एक कस्बा है जिला दरभंगा, दरभंगा पड़ता बिहार में। अब बिहार में मधुबनी, दरभंगा, अररिया, सुपौल, समस्तीपुर, पूर्णिया, बेतिया, आरा, गया, गोपालगंज, किशनगंज, नवादा, पटना, भागलपुर, ये टोटल बेल्ट मेरे पास है। अभी मेरा माल जा रहा है मुरादाबाद। मुरादाबाद एक जिला हुआ यूपी का, उत्तर प्रदेश का। अब मुरादाबाद, करूला, कुंदरकी, बिलारी, ठाकुरद्वारा, काठ, जोया, संबल, अमरोहा, उसके बाद आ जाओ बरेली, रिच्छा, बेहड़ी, पीलीभीत, मीरगंज, टनकपुर, बिलासपुर, ये टोटल बेल्ट मेरे पास है। अब यह माल जा रहा है मेरा कस्बा जरवल जी। जरवल एक कस्बा है बहराइच जिले का, बहराइच पड़ता उत्तर प्रदेश में। बहराइच, नानपारा, गोंडा, शरावस्ती, उतरौला, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, पटे, ये समझ लो पूरी बेल्ट मेरे पास है। अब ये मेरा माल जा रहा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग एक जिला पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में आप समझाओ ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, उसके बाद समझ लो धारचूला, पिथौरागढ़, ये टोटल बेल्ट मेरे पास है। अब ये मेरा माल जा रहा है बीकानेर। बीकानेर कहाँ पड़ा? राजस्थान में। राजस्थान में बीकानेर, अजमेर, उसके बाद श्रीगंगानगर, ये पूरी बेल्ट मेरे पास है। अब ये मेरा माल जा रहा है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी पड़ता है नेपाल बॉर्डर के पास में, ये भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। लखीमपुर हो गया, शाहजहानपुर हो गया, पलिया कला, गोला गोकरणनाथ, खपरेल बाजार, विश्वा, गोला, और ये लखनऊ, महाराजगंज, ये पूरी बेल्ट मेरे पास है। अभी मेरा माल जा रहा है रोहतक। रोहतक बोले तो कहाँ हुआ? हरियाणा। अब हरियाणा जो कवर होता है रोहतक में, एक सबसे बड़ा मार्केट है शौरी मार्केट। अब रोहतक कवर होता है, हरियाणा पूरा वहाँ से कवर। रोहतक हो गया, हिसार हो गया, जींद हो गया, बरवाला हो गया, ये समझ लो पूरी बेल्ट मेरे पास है। मतलब टोटल 27 स्टेट हैं, 27 में से 9 स्टेट मैंने आपको यहाँ दिखाई। तो मतलब मेरा कहने का जो तात्पर्य ये है कि अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो, मैं नहीं कहता मुझसे लो, लेकिन कपड़ा उससे खरीदो जो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करता है, क्योंकि कपड़ा जितने हाथों में से निकलता है ना उतना ही महंगा होता चला जाता है। मैं आपको वीडियो के दौरान सारी डिटेल बताऊंगा, सारी तफसील बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक मिनट आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन एक मिनट सोचकर समझकर लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। ये मैंने किस संदर्भ में बोली बात? ये मैंने इस संदर्भ में बोली कि अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो सोच सिर्फ एक बनाना, कपड़ा कहीं से भी खरीदना, खरीदना वहाँ से जहाँ से वो चीज़ बन के निकली है। क्योंकि कपड़ा जितने हाथों में से निकलेगा ना भाई साहब उतना ही महंगा होता चला जाएगा, और जितना महंगा आपको मिलेगा या तो बिकेगा नहीं, और बिक गया तो ग्राहक दोबारा वापसी आपके पास आएगा नहीं। मैं ये नहीं कहता मुझसे लो, कहीं से भी लो, लेकिन खरीदो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। और मैन्युफैक्चरर की तीन पहचान मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसका मतलब कोई चीज़ उसकी कभी ख़त्म नहीं होगी, जब तक आपकी डिमांड रहेगी ना वो चीज़ वो आपको बना के देगा। दूसरी चीज़, वो वीडियो के दौरान कभी नहीं बोलेगा कि भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, ऑर्डर कर लो, 5,000 का मंगा लो, 10,000 का मंगा लो, मेरा माल खत्म होने वाला है या मार्केट में रेट बढ़ने वाला है। हम वीडियो के दौरान इन चीज़ों का प्रयोग कभी नहीं करते, और ये आपके सामने हम जब ये वीडियो के दौरान बताएंगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा राधे राधे परिवार की सोच है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, वो किसी भी कस्टमर में फ़र्क नहीं करेगा, चाहे वो बड़ा आ जाए, चाहे वो छोटा आ जाए, चाहे वो दूर का आ जाए, चाहे वो पास का आ जाए, चाहे वो नया आ जाए, चाहे वो पुराना आ जाए, हर गड्डी पर रेट लिखा मिलेगा, किसी को बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कोने से कोई गड्डी निकालोगे ना, ये 350, ये 500 रुपये, हर गड्डी पे आपको रेट लिखा मिलेगा, किसी के लिए फ़र्क नहीं करते। हमारी सोच एक ही है जो हमने सीखा है, 43 साल हो गए भाई साहब मुझे कपड़े का व्यापार करते हुए, और 100 साल पुराना मेरा ट्रेडिशनल काम है कपड़े का। मैंने एक ही बात सीखी है और वो ये कि कपड़े का व्यापार एक दिन का नहीं है, ज़िंदगी भर का है। और कोशिश क्या करनी चाहिए कि जो आज आया है अगली बार आए तो 4 लोगों को साथ में लेके आए, ताकि व्यापार बढ़े। अब वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, समझा देता हूँ। वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा, मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या चीज़ मैं आपको क्या रेट से दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या चीज़ आपको क्या रेट से बेचनी है जी। क्योंकि मैंने 43 साल में एक ही बात सीखी है कि खरीदना बहुत आसान है, सबसे मुश्किल काम है उसको बेचना। और मैं बेचने के ऐसे ऐसे फॉर्मूले आपको बना के दूंगा तो आपको लगेगा कि वाकई में कपड़े के व्यापार में जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो चीज़ आप अपने व्यापार में इंप्लीमेंट करते हो तो कपड़ा वाकई में बेचना बहुत आसान हो जाएगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कपड़ा जो होता है वो सिर्फ 7 प्रकार का होता है। सबसे पहले
पहले नंबर पे आता है लेने देने वाला सूट, उसके बाद आता है थान वाला सूट, उसके बाद आता है डेली यूज का, फिर आता पार्टी वेयर, फिर आता बुटीक कलेक्शन सिंपल सोबर गर्लिश लुक का, उसके बाद में आता वेडिंग कलेक्शन, और सबसे लास्ट में सबसे ऊंचे पायदान पे जो आता है वो आता है दुल्हन वाला सूट जिसको बोलते हैं ब्राइडल कलेक्शन। मैं आधे घंटे के अंदर ये सातों चीज़ आपको कवर करूंगा, और शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के 140 करोड़ जनता से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ये जो आधा घंटा मेरी सोच आप तक पहुंच रही है, अगर ये सोच आपके मतलब की नहीं है तो 3 लोगों को ये सोच मेरी ज़रूर पहुंचाने की कृपा करें, कश करें, ताकि मेरी जो सोच है उन लोगों तक पहुंचे जो मेरी सोच से जुड़ के अपने व्यापार को कपड़े का कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना, गलत बात नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ थान वाला सूट। हमारी विशेषता क्या है, हर गड्डी पे रेट लिखा मिलेगा। अब इसमें रेट हम पेन से नहीं लिख सकते हैं, मार्के से नहीं लिख सकते हैं, तो ऑलरेडी एक स्टिकर लगा हुआ है। आज से 10 साल पहले भी इसका रेट 130 का था और आज भी रेट 130 का है, 10 साल पहले भी रेट कट 5 मीटर का था और आज भी कट इसका 5 मीटर का है। ठीक है, ये आगे सर पूरा पीस आपके सामने मैंने खोल दिया, कपड़ा आएगा प्योर मक्खन अमूल का बटर आएगा भाई, चलिए कट आएगा पूरा 5 मीटर, 130 रुपए का सूट है, कितने का बेचना है, मात्र 200 रुपए का बेचना है आपको। और 200 से नीचे तो भाई साहब सूट की बिक्री नहीं हो सकती ना। 4 गारंटी मैं आपको अपने हर कपड़े की कागज़ पर लिख के दे रहा हूँ, कलर चला जाए मेरी गारंटी, सिलाई में से निकल जाए मेरी गारंटी, सुकड़ जाए मेरी गारंटी, और रुआ आ जाए तो मेरी गारंटी। अभी आ गया भाई साहब 130 का, कितने का बेचना है, मात्र 150, मात्र 200 रुपए का जी। ये देखो जी डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर 4 डिज़ाइन मेरे पास में, हर चीज़ के अंदर आपको कम से कम 100 डिज़ाइन मिलेंगे आपको हर चीज़ के अंदर। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ में एक वैरायटी मैं आपको और दिखाता हूँ, ये आएगा 150 रुपए का, 150 रुपए इसका कट आएगा। देखो सर रेट इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, बताने की समझाने की ज़रूरत ही नहीं, 150 का रेट इस पर भी लिखा हुआ है। इसका कट आएगा 4.5 मीटर, उसका कट 5 मीटर था तो मैंने आपको इसका 5 मीटर नहीं बताया, मैंने आपको इसका बताया कट 4.5 मीटर का। ये देखो जरा आइटम, अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 130 रुपये को और 150 रुपये को, इन दोनों आइटमों को आपस में क्लब करना है जी। और आपकी एवरेज आएगी 140 रुपये की। ठीक है, इन दोनों आइटमों को जब आप मिला दोगे तो डिज़ाइन भी बन जाएंगे और दोनों वैरायटी भी मिक्स हो जाएंगी। और कितने का बेचना है, मात्र 200 रुपये का। अच्छा मेरे को राजी एक बात बताओ जी, कोई भी इंसान अगर कपड़े का व्यापार कर रहा है या करना चाहता है तो आपके हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 40 से 50 हज़ार तो होनी चाहिए। देखो 40-50 हज़ार रुपए आदमी की सोच से ऊपर चले जाते हैं, तो ना 50 ना 40 ना 35 ना 30, हम पकड़ते हैं 25 हज़ार रुपए। बहुत नॉर्मल एक छोटी सी सोच बताता हूँ। दूसरी सवाल मैं आपसे जो करता हूँ वो ये कि अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आपको कपड़ा मिलता है जिस रेट से चांदनी चौक का या हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा होलसेलर कपड़ा खरीदता है, तो आपके हिसाब से उस रेट से कपड़ा लेके एक इंसान अगर कपड़े का व्यापार करना चाहता है तो कितने सूट रोज के बेच सकता है? 15 से 20 तो बेच लेगा भाई साहब, 15-20 बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, 15 ना 20 ना 10 ना 9 ना 8 ना 7 ना 6, 5 सूट पकड़ ओनली 5 सूट। अब मैं जो आपको 2 सवाल पूछा किस लिए पूछा, कि मैं जो आपको फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ ना, वो बना के दे रहा हूँ 60 दिन का। कितने दिन का? 2 महीने का। 60 दिन के अंदर मैं आपको ये बात साबित करके दूंगा कि 25,000 रुपए लगा के आप 25,000 रुपए 60 दिन में कैसे कमा सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, पहले डबल हो जाएंगे सर। सर आपके मुंह से कहलवाऊंगा, ये 130 वाला सूट है जी, ये बेचना है 200 रुपए का, और ये 150 वाला सूट है, ये बेचना है 200 का, इन दोनों का आपस में मिला देना है और एवरेज जो आएगी आपकी वो आएगी 140 रुपए की, माइनस करो 200, कितने रुपए सूट का दफा आया भाई साहब? 60 रुपए सूट का, इंटू में करो 5 इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब? 18,000 रुपए हो गए। 25,000 रुपए लगा के 60 दिन के अंदर मात्र 5 सूट बेच के आपने कमाए 18,000 रुपए। मतलब हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं होगी जो आपको 60 दिन में बिना किसी रिस्क के, बिना किसी खतरे के और बिना किसी प्रेशर के आपको 18,000 रुपए कमा के दे सकती है, और वो भी मात्र 5 सूट बेच के जी। ये सोच है राधे राधे परिवार की। अब आपको लगता होगा यार 10 भी बिक सकते हैं, 15 भी बिक सकते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, ज़्यादा बेचोगे तो आपका ही मुनाफा बढ़ेगा ना। आपने 5 की जगह 10 बेच लिए तो 18,000 की जगह नफा हो गया 36,000 रुपए का, हो गया कि नहीं हो गया भाई साहब? लेकिन मैं क्या कहता हूँ, थोड़े के बाद जब ज़्यादा मिलता है ना तो खुशी होती है, और ज़्यादा सोच के अगर कम मिलता है ना तो मन में मायूसी होती है। तो मैं इसलिए आपको छोटे की तरफ लेके गया कि आप छोटे के बारे में सोचो। ये मैंने आपको दिखाया थान वाला सूट दूसरे नंबर का। अब मैं आपको बताता हूँ थान वाला सूट होता क्या है। थान वाला सूट जो होता है वो बिना दुपट्टे के होता है। इसमें सूट सलवार लेगिंग कुर्ती गरारा शरारा प्लाजो ब्लाउज पेटीकोट साड़ी मैक्सी नाइटी गाउन पर्दे बेडशीट, इसको नाप के बेचो, इसको काट के बेचो, इसको अस्तर में लगाओ, इसको लाइनिंग में लगाओ, पूरा पैसा वसूल है। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला दिखा रहा हूँ थान वाले सूट का, वो आएगा 250 का। 250 का। अब 250 के अंदर मैं आपको आइटम दिखाऊंगा आपको 4, इसमें 2 तो दिखाऊंगा 200 रुपए की ऑल ओवर की, एक दिखाऊंगा 180 में मैचिंग की और एक दिखाऊंगा 190 में मैचिंग की। सबसे पहले राजी जरा हाथ करो,
ये सूट का वजन देखो जरा आप इसका, काफी हैवी में है। कितने का सूट है? मात्र 180 रुपए का। और कितने का बेचना है? 250 का। मैं आपको पूरा सूट दिखाता हूँ, कट आएगा इसका पूरा 4.5 मीटर का। ये देखो मेरा, ये मेरा बाबू लेके चला, देखो जरा, देखो भाई साहब जरा ध्यान से फोकस करना, पूरा जरी का तार है इसके अंदर, और मात्र 180 रुपए में 4.5 मीटर का सूट है, और आपको 250 रुपए में बेचना है। कलर चला जाए मैं बैठा हूँ, सिलाई में से निकल जाए मैं बैठा हूँ, रोआ आ जाए मैं बैठा हूँ, और सुकड़ जाए तो मैं बैठा हूँ। और भगवान ने नहीं बनाई, 500 रुपए 5 गारंटी इसकी, 4 ही गारंटी बनी कपड़े की। ये देखो भाई साहब, डिजाइन मिलेंगे आपको कम से कम 100 हर चीज के अंदर, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने आपको दिखाया पहला कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। तो वैसे कपड़ा का सूटों का व्यापार कौन कौन कर सकता है? देखो सर, कपड़े का व्यापार करने के लिए कोई शर्त नहीं है जी, कोई भी कर सकता, कोई भी कर सकता है। कपड़े के व्यापार में शर्त सिर्फ एक है कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक मैं एक ही बात पे फोकस करता हूँ कि कपड़ा जितने हाथों में से निकलेगा ना भाई साहब, उतना ही महंगा होता चला जाएगा, और जितना महंगा आपको मिलेगा या तो बिकेगा नहीं, और बिक गया तो ग्राहक दोबारा वापसी आपके पास आएगा नहीं। फिर भी जो आपने सवाल किया है मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। कपड़े का व्यापार करने के लिए मैंने जो सोच बनाई है, सबसे मेन है 5 कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी उन लोगों की आती है जिनके पास सिलाई और कढ़ाई का हुनर है। अब कपड़ा क्या है? ये कच्ची मट्टी है। अगर आपके पास सिलाई का हुनर है तो आप कोई भी रूप इसको दे सकते हो, बिल्कुल। उसके बाद में कैटेगरी उनकी आती है जो ऑलरेडी कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर कोई कपड़े का व्यापार करना चाहता है तो मैं 2 बातों की गारंटी उसको लिख के देता हूँ, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप काम करोगे तो नुकसान आपको नहीं लगेगा, स्टाम्प पेपर में साइन करवा के ले जाना। और अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप काम करोगे और मेरे बताए हुए फॉर्मूले से आप काम करोगे तो 60 दिन में पैसा आपके घर में पलट के वापसी आएगा, मेरी गारंटी है। तीसरी कैटेगरी उनकी आती है जहाँ पर लेडीज़ का फुटफॉल है जी। अब लेडीज़ कहाँ जाती आती हैं? ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, बुटीक में जाती हैं, मनिहारी का सामान लेने जाती है, कॉस्मेटिक हो गया, टेलरिंग की शॉप हो गई, उसके बाद में रेडीमेड हो गया, साड़ी हो गई, उसके अलावा दुपट्टा हो गया, मतलब जहाँ पर भी लेडीज़ का फुटफॉल है 100, 200, 400 पीस रखने में। भाई साहब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि कपड़ा कभी ख़राब नहीं होता। कपड़े के व्यापार में 2 ही काम होते हैं, कुछ बिकता है और कुछ रुकता है। अब राधे राधे परिवार आपको बताएगा जो बिकता है वो ज्यादा कैसे बिके, और अगर कुछ रुकता है तो वो आगे चल के आपका कैसे बिके, वो सोच है राधे राधे परिवार आपको बिजनेस करना सिखाएंगे सर, पूरी सोच आपको बताऊंगा, गारंटी और किस चीज की ले रहा हूँ। भाई साहब अध्यापक जब बच्चों को पढ़ाता है ना, और 60 बच्चे क्लास में होते हैं, तो अध्यापक भी 60 के 60 की गारंटी लेता, और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि मेरा बताया हुआ मेरा सिखाया हुआ कोई भी बच्चा अगर 100 में से 99 भी लेके आएगा ना, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि 43 साल में मैंने एक ही बात सीखी है, कपड़ा खरीदना बहुत आसान है, सबसे मुश्किल काम है उसको बेचना। उसके बाद चौथी कैटेगरी उन लोगों की आती है जिनके घर में शादी ब्याह है। अब कोई आदमी, देखो सर मैं राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, सीकर में मेरी पैदाइश हुई है, बहन बेटियाँ जो होती है ना वो सबकी सांझी होती है जी। किसी के घर में शादी है, ब्याह है, बात है, किसी को लेने देने के लिए 100-200 जोड़े चाहिए, तो वो भी यहाँ से परचेजिंग कर सकता है, क्योंकि उसके लिए भी यहाँ पर रेट में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हर गड्डी पे रेट लिखा हुआ है। तो ये मेरी सोच है सर। वैसे तो कपड़े के व्यापार में कोई शर्तें लागू नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बता दिया, और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी इंसान इस व्यापार को उम्र के किसी भी पड़ाव पर कर सकता है, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई इंसान करना चाहे वो कैसे कर सकता है। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो व्यापार कर सकता है। हाँ सर, अब मैं आपको दिखाता हूँ 180 रुपये में दूसरा कॉन्सेप्ट। देखो जरा आइटम, कट आएगा पूरा 4.5 मीटर का, कपड़ा आएगा प्योर फ्रेंच क्रेप जी। बेचना कितने का है? मात्र 250 का। ये देखो जरा, ये पूरा 4.5 मीटर का पीस भाई साहब आ गया मेरी मुट्ठी के अंदर। ये देखो जरा डिजाइन, इसके भी मैं आपको 4 दिखाऊंगा, क्योंकि शॉर्ट डिजाइन अगर मैं दिखाने बैठ गया ना भाई साहब तो एक ही आइटम में पूरा वीडियो पूरा हो जाएगा। ये मैंने आपको दिखाया 180 का 2 आइटम, अब मैं आपको 180 में आइटम और दिखाता हूँ। ये आएगा टाई एंड डाई, इसको बोलते हैं मिक्स एंड मैच, ठीक है। ये देखो जी, 2 मीटर का आएगा इसका टॉप, और 2.5 मीटर का आएगा इसका बॉटम। ये देखो भाई साहब, कट हो गया पूरा 4.5 मीटर का। कितने का सूट है भाई साहब? ये मात्र 180 का, और कितने का बेचना है? मात्र 250 रुपए का। अभी जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 180 में तीसरा दिखा रहा हूँ जो आपको बेचना है 250 का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट 190 रुपए का। कपड़ा क्या है? कपड़ा आएगा प्योर रेयन कॉटन। ये देखो जी, 2 मीटर का टॉप आएगा और साथ में 2.5 मीटर का इसके नीचे पूरा बॉटम आएगा, ठीक है। ये देखो भाई साहब, कट हो गया पूरा 4.5 मीटर का। पटियाला बनाओ, गरा, ये मैंने टॉप खोल दिया, पटियाला बनाओ, गरारा बनाओ, शरारा बनाओ, जो आपका मन करे वो आप इसके अंदर से बना सकते हो। कट आएगा पूरा 4.5 मीटर का। ये भाई साहब देखो, अभी अब देखो रेट इसके ऊपर भी लिखा हुआ ना भाई साहब। अब कितने का बेचना है आपको? ये भी बेचना है आपको 250 रुपए का। ये देखो जी, ये पहला डिजाइन, ये दूसरा डिजाइन, ये तीसरा डिजाइन, और ये आ गया इसका चौथा डिजाइन। अब करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको दिखाई आइटम 4, 4 मतलब 4 वैरायटी हो गई। अब इन 4 वैरायटियों का आपस में कर दो क्लब,
तो एक रेंज के अंदर आपकी चार वैरायटी सेट हो गई, कितने रुपए में? 250 रुपए में। अब 180 की दिखाई तीन और 190 की दिखाई एक, ये चार वैरायटी कितने की हुई? 730 रुपए की। अब इसको भाग करो चार से, कितने की पड़ी? 182.50 रुपए की। माइनस करो 250, कितने का नफा आया? 67.50 रुपए का। इंटू में करो पाँच, कितने रुपए का नफा हो गया उसका? 337.50 रुपए का। इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब? 20,250 रुपया। कितने लगाए थे? मात्र 25,000। कितने दिन के लिए लगाए थे? मात्र 60 दिन के लिए। और कितने सूट बेचने थे रोज के? मात्र 5 सूट। मतलब एक एक फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अच्छा बुजे राजी, एक बात बताओ, ये सूट कौन पहनता है? लेडीज पहनती है ना। अब लेडीज तो हर घर में है, कपड़ा बाजार से लाती है ना जी। अगर वो लाती हैं तो क्या वो बेच नहीं सकती हैं? बेच सकती हैं। अगर वो बेच सकती हैं तो भाई साहब सोच मैंने आपको बता दी, अगर 250 का बेचोगे ना तो शाम तक फुर्सत नहीं मिलेगी आपके पास में। ये आगे मेरा पहला कलेक्शन थान वाला सूट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने साथ में से पहला सेक्शन कवर किया, अब मैं दूसरा सेक्शन कवर कर रहा हूँ लेने देने वाला सूट, ठीक है। अब लेने देने वाले सूट में खाली हमारे पास में एक ही आइटम है, सिर्फ 120 रुपए में। अब ये लेने देने से मैं आपको बता दूं, ना कटा है, ना फटा है, ना सड़ा है, ना गला है, ना दागी है, ना धब्बा है। इसका जो साइज होता है ना, वो सबसे लोअर साइज होता है। पता, लड़कियों का सूट बनता है, लेडीज का सूट इसमें नहीं बनता है। ये होता है दूसरा कॉन्सेप्ट लेने देने वाला सूट। अब मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मूला नंबर गड्डी के साथ, कितने का? 250 का, ठीक है। पहले दिखाऊंगा मैं आपको गड्डियाँ, देखो जी, हर गड्डी पे आपको रेट लिखा मिलेगा। 150 150 150 और 150। अब ये देखो जी 160। अब आपको करना क्या है, मैं आपको आइटम दिखाऊंगा 150 रुपए से लेके और 200 के बीच में। कितनी आइटम दिखाऊंगा? 5 150 100 नहीं 4 150 160 190 और 200। इन चारों को क्लब करना है आपस के अंदर। आपकी एवरेज क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आइटम दिखा दूँ। और कितने का बेचना है आपको? मात्र 250 रुपए में। ये देखो जी 150 के बाद आइटम आ गई 160 की। अब मैं आइटम दिखाता हूँ आपको 190 की, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं दिखाता हूँ आपको आइटम 200 रुपए की, देखो जी, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इन चारों को क्लब कर दो आपस के अंदर, देखो कितनी एवरेज आएगी। 150 160 190 और 200, भाग करो चार से, कितने की एवरेज आई भाई साहब? 175 रुपए की। आपको कितने की बेचनी है? मात्र 250 में। कितने का नफा आया? 75 रुपए का। इंटू में करो 5 सूट, इंटू में करो 60 दिन, कितने हो गए भाई साहब? 22,500। कितने लगाए थे? मात्र 25,000 रुपए। मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको 60 दिन में बिना गारंटी, मतलब गारंटी के साथ आपका पैसा डबल करने की गारंटी दे रहा हो। ना तो आप FD करवा लो, आप गोल्ड में लगा लो, आप सिल्वर में लगा लो, आप सेविंग अकाउंट में डाल लो, आप शेयर मार्केट में लगा दो, चाहे प्रॉपर्टी खरीद लो। कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है जो साल में 6 बार, सर साल में 12 महीने होते हैं और 60 दिन में 2 महीने होते हैं, तो 2 को अगर 12 से भाग करोगे तो 6 बार पैसा पलट के घर में आपके वापसी आएगा भाई साहब। ये राधे राधे परिवार की सोच है। और जो मैं आपको सस्ता बेचने के लिए बोल रहा हूँ ना, पता क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक तो मेरी कोई चीज़ कभी खत्म नहीं होती, दूसरा मेरा रेट कभी ऊपर नीचे नहीं होता। अगर आपको 75 रुपये की एवरेज से भी नफा मिल रहा है ना, तो भाई साहब बुरा नहीं है। शाम तक आपने 5 की जगह अगर 15 बेच लिए तो 22,500 को 300 गुना कर दो भाई साहब, होगा 60 दिन में 60,000-60,500। ये सोच, देखो सर कपड़े के व्यापार में ना कभी नुकसान नहीं लग सकता, हाँ, क्योंकि कपड़ा कभी खराब नहीं होता। नुकसान कहाँ लगता है कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा। अभी 200 रुपए का सूट है, अब मैं आपको 250 का बेचने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये सूट आपको 250 का मिलेगा तो भाई साहब कैसे तो आप बेच पाओगे? क्योंकि सामने वाला को बेवकूफ थोड़ी ना है, जो पैसा आपको खर्च करके सूट खरीदेगा वो भी तो देखेगा ना भाई साहब कि अब हमें क्या चीज उसको आप दे रहे हो। तो ये सोच जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो जुड़ो उस इंसान से जो कपड़ा बनाता है। मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा कि आप मुझसे खरीदो, पूरा वीडियो आप देख लेना, एक बार भी मेरे मुँह से आप ये नहीं सुनोगे कि भाई साहब मुझसे कपड़ा मंगवा लो या मुझसे खरीद लो। मैं तो खाली अपनी सोच आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर मेरी सोच आपकी सोच से जुड़ती है ना तो आप कपड़े का व्यापार करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ये गड्डियाँ मैं आपको खोल के इसलिए नहीं दिखा रहा कि सारे चरे मुरमुरे वाली आइटमें हैं, इसमें टाइम खोटी करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा 300 रुपए का। अब यहाँ से जो आइटम मैं आपको दिखाऊंगा वो पूरी डिस्प्ले करके दिखाऊंगा ताकि सामने वाले को सोच और वैरायटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये देखो भाई साहब 220, दूसरा 220, ये तीसरा 220 और ये चौथा आया 220 का। अब ये कितने का बेचना है? ये बेचना है आपको 300 रुपए। लेकिन 300 रुपए में बेचने के लिए आपको इसके अंदर एक आइटम और इंट्रोड्यूस करनी है। अच्छा राजीव, सवाल पूछता हूँ, बहुत ईमानदारी से सोच समझ के मुझे जवाब देना। इंसान ज्यादा काम करने से सफल होता है कि उस काम को सही तरीके से सही इंसान के साथ जुड़ के करने से सफल होता है? सही इंसान के साथ जुड़ के रहने से सफल होएगा। गलत तो नहीं कह रहा, ये तो यथार्थ है ना। अगर आप ज्यादा काम करते हो, मेहनत तो गधा भी करता है जी, लेकिन डर्बी में कौन दौड़ता है? डर्बी में तो घोड़ा दौड़ता है ना भाई साहब।
गधे पे तो 24 घंटे वजन लाद के रखते हैं। तो मैं ये बात किस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो और अगर आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा ना भाई साहब, तो जिंदगी में कभी आप सफल नहीं हो पाओगे। आपने शाम तक सूट बेच लिए 10 और कमाया 20 रुपये सूट, तो क्या मिला आपको? 200 रुपये। और अगर आप राधे राधे परिवार से जुड़ते हो और 10 सूट अगर आप मेरे बताए हुए फॉर्मूले से बेचते हो ना, तो भाई साहब 22,500 × 2 = 45,000 रुपये कमाओगे, खाली 25,000 रुपये लगा के 60 दिन के अंदर अंदर। मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ 300 रुपये वाला। राजीरा सूट अपने हाथ में लेना और ईमानदारी से बताना क्या भाव का सूट होगा। सर कम से कम 600-700 का सूट है ये सूट हमारे पास, पता कितने का मिलेगा? मात्र 250। 200 रुपये का? 250 का। 250 पूरा 3 हेड का काम आएगा भाई साहब इसके अंदर, पूरा 3 हेड का वर्क आएगा और साथ में प्योर का दुपट्टा आएगा इसके अंदर। गहराई सब आपको नजर आएगी, देखो जरा चीज ये डाला मेरे बाबू ने सूट, कितने का बेचना है भाई साहब आपको? मात्र 300 रुपये का बेचना है आपको सूट ये वाला। अब कलर चार्ट देखो जरा भाई साहब इसका, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट का एक आइटम और दिखाता हूँ, ये दिखाऊंगा मैं आपको 250 में जी। देखो जरा भाई साहब चीज, ये जो लेस नीचे देख रहे हो ना, ये 60 रुपये की खाली लेस है भाई साहब जो लगी हुई है, और मैं आपको 250 रुपये में पूरा सूट दे रहा हूँ और साथ में दुपट्टे का वर्क देखो जरा भाई साहब इसका जी। देखो जरा चीज कॉन्सेप्ट देखो जरा आप, ये कितने का बेचना है आपको? ये मात्र 300 रुपये का। ये देखो जरा इसका कलर चार्ट। अब आपको करना क्या, पहले मैं वो बताता हूँ, ये 220 वाला और 250 वाला, इन दोनों का आपस में मिलाना है आपको। 220 प्लस 250 भाग करो 2 से, कितने की एवरेज आई? 235 की। माइनस करो 300 रुपये में बेचना है, 65 रुपये का नफा हो गया एक सूट के ऊपर। इंटू में करो 5, इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब? 19,500 रुपये। एक फार्मूला भी जो मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगा, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा कोई फार्मूला जो ऐसा है जो आपके व्यापार में काम नहीं करेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार 250 का तो बिक जाएगा, 220 का नहीं बिकेगा, बताओ मुझे कौन सी गड्डी खोलूँ उसके अंदर? जो गड्डी आप, ये लो भाई साहब ये गड्डी खोली मैंने आपके सामने, प्रेस गड्डी, ये लो भाई साहब। कोई कह देगा इंसान कि ये सूट 300 रुपये में नहीं बिक सकता? बिक जाएगा भाई साहब कागज, अभी तो दुपट्टा देखो जरा भाई साहब, अभी तो ठहरो रुको, जल्दी किस चीज की है? 400 भी बिक जाएगा ये? अरे भाई साहब मैं कहता, ज्यादा के बारे में क्यों सोचते हो जी? आप कम के बारे में सोचो ना, अगर कम के बाद आपको ज्यादा मिलेगा तो खुशी आपको ही तो होगी ना भाई साहब। मैंने बोल दिया आपको 10 और बिके 4 तो आपको लगेगा बोले राधे राधे परिवार ने बेवकूफ बना दिया। मैंने आपको बोले 5 और आपके बिके 10 तो आपको लगेगा ना कि राधे राधे परिवार की बात में वजन है। भाई साहब बात अगर वजनदार होती है ना तो समझ में आती है। ये गारंटी बहुत चल गई, 5 महीने इलेक्शन चल गया, सबकी गारंटियां चल गई। हमारी गारंटी चलती है 12 महीने 30 दिन, क्योंकि डंके की चोट पे गारंटी देते हैं भाई साहब, और 12 महीने देते हैं आपको। ये आगे मेरा आइटम, अब मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया 300 रुपये, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा 350 रुपये का। देखो जी जरा आइटम देखो आप, कपड़ा आएगा प्योर जाम साटन, कितने का सूट है? मात्र 280 रुपये का। और कितने का बेचना है आपको? मात्र 350 रुपये में। देखो जरा चीज, अब इसका देखो आप दुपट्टा, ये देखो जरा भाई साहब दुपट्टा देखो जरा इसका, देखो जरा कॉन्सेप्ट, कितने का बेचना है? मात्र 350 रुपये में। अभी देखो इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ 280 रुपये में। देखो जरा चीज, ये भी बेचना है आपको 350 रुपये में। मतलब ये जो मैं आपको दो दो पीस दिखा रहा हूँ ना, आप ये समझो एक एक रेंज के अंदर मेरे पास 100 से लेके 200 आइटमें मिलेंगे आपको। आप अपनी पसंद का लेके जाओगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि राधे राधे परिवार के पास 7,500 वैरायटी 12 महीने 300 दिन मिलेंगे आप, ठीक है? कभी कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। ये आ गया 280 रुपये में। अब इसका दिखाया मैंने आपको दुपट्टा, ये देखो जरा भाई साहब इसका दुपट्टा, मात्र 280 रुपये में। देखो जरा चीज़, कितने का बेचना है? मात्र 350 में। अभी देखो भाई साहब इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज को आपको सेट करने के लिए इसमें एक आइटम आपको और मिलानी है, वो आएगी 300 रुपये में। मैं आपको पहले इसका दुपट्टा दिखाऊंगा जी, ये दुपट्टा ही नहीं मिलेगा भाई साहब आपको 300 रुपये में। देखो जरा चीज़ कॉन्सेप्ट देखो जरा, ये प्योर क्रश का दुपट्टा है भाई साहब फॉइल के साथ में, मात्र 300 रुपये के अंदर। और कितने का बेचना है? मात्र 350 रुपये में। अभी देखो आप इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, ये भी आएगा 300 में, ये आएगा जर्कन वर्क के साथ। देखो जरा चीज़, कितने का बेचना है आपको? मात्र 350 रुपये में। अब इसका दुपट्टे पे वर्क देखो जरा भाई साहब एक बार आप, देखो जरा चीज़, मात्र 350 का आपको सेल करना है और 300 रुपये में आपको 12 महीने मिलेगा, 300 दिन मिलेगा। ये देखो जरा इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, आपको तीनों आइटमों को क्लब करना है, 250, 280 और 300, भाग करो 3 से, कितने की एवरेज आई? 276 रुपये 66 पैसे की।
350 माइनस 276 रुपए, नफा आया 74 रुपए का, इंटू में करो 5 इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब 22,200 रुपए। अब देखो आप कैमरे को घुमाओ, खराब नहीं होता कपड़े की खासमत यही रहती है सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया खराब को तो बाहर गोली आप, मैंने चार गारंटी आपको कपड़े की पहले बता दी, कलर चला जाए, सिलाई में से निकल जाए, सुकड़ जाए या रो आ जाए, मेरी गारंटी है। अब देखो ये बाबू के हाथ में आया 300 वाला सूट, कपड़े व्यापार की सबसे खासमत यही है सर। ये देखो सर कपड़े के व्यापार की सबसे बड़ी खासियत जो है ना वो एक और है, कपड़ा जो है कीमत देख के तो खरीदा जाता है और खूबसूरती देख के बेचा जाता है, ठीक है। कभी भी कपड़ा जो है ना, कपड़ा ना तो वजन से बिकता, ना तोल से बिकता, ना सूंघ के बिकता, ना स्वाद से बिकता, कपड़ा बिकता लुक से। अब देखो जरा दिखाओ, ये बाबू के हाथ में 200, ये बाबू के हाथ में 250 का, ये बाबू के हाथ में 280 का, और ये बाबू के हाथ में 300 का, इन तीनों को मिला दो, क्लब कर दो और एक रेंज के अंदर डाल दो 350 रुपए के अंदर। अब मुझे ईमानदारी से बताओ क्या ये सूट कोई ऐसा है जो 350 में नहीं बिक सकता? कोई भी बिक जाएगा सर। देखो राजी मैं सोच क्या बना के बैठता हूँ, धरती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ भाई साहब, गद्दी में भी लेके नहीं बैठता, हमेशा जमीन पे बैठता हूँ, और जो सोच बनाता हूँ ना वो किस लिए बनाता हूँ कि जो इंसान जुड़ा है वो पूरी जिंदगी जुड़ा रहे। और मैं एक बार भी आपको नहीं बोलूंगा वीडियो के दौरान कि मुझसे कपड़ा मंगा लो, ऑनलाइन मंगा लो, ऑर्डर कर लो, 5,000 का मंगा लो, 10,000 का मंगा लो। मैं तो एक ही बात बोलूंगा और डंके की चोट पे बोलूंगा कि कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो कपड़ा वहां से खरीदो जहां से वो चीज बन के निकली है। अब मैं आपको दिखाया फॉर्मूला 350 का, अब मैं फॉर्मूला लेके चलता हूँ आपको 400 रुपए, ठीक है। 400 में सबसे पहले मैं आइटम दिखाऊंगा। अब देखो जरा पहले कॉन्सेप्ट देखो आप, ये वाला ये सूट है मात्र 320 रुपए का, 320 का, और आपको इसकी सोच बनानी है मात्र 400 रुपए की। पहले मैं दिखाता हूँ आपको इसका कलर चार्ट, ये आ गया इसका दूसरा, ये आ गया इसका तीसरा, और ये आ गया इसका चौथा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, कितने का, मात्र 320 रुपए। बनारसी में आने वाले, तो देखो जरा चीज, पूरा लेस देखो भाई साहब, बनारसी के लेस है नीचे और पूरा चोली पे काम किया हुआ है, प्योर बनारसी के साथ में। कितने का सूट है, मात्र 320 रुपए में। अभी तो इसका भाई साहब दुपट्टा देखो जरा इसका, दुपट्टा भी सर बिल्कुल, अगर बाजार में लेने जाओगे ना खाली दुपट्टा दुपट्टा तो 125 रुपए से कम में आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा इसका। और दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई मैं आपके सामने दिखाता हूँ, देखो जरा चीज, सूट आएगा मात्र 320 में, और कितने का बेचना है, मात्र 400 में आपको। अभी देखो इसका कलर चार्ट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अब 400 रुपए का जो मैंने आपको फॉर्मूला बनाया है उसमें आपको एक आइटम और इंट्रोड्यूस करना है, वो आएगी 350 में, ठीक है। देखो जरा चीज, कपड़ा आएगा प्योर फियोना, प्योर फियोना में देखिए, और देखो वर्क देखो जरा भाई साहब इसका, तो पूरा डायमंड का काम आएगा साथ में इसके, और सूट आएगा मात्र 350 में। अब ये देखो इसका दुपट्टा भाई साहब, देखो जरा चीज भाई साहब, लेस देखो जरा बनारसी की लेस लगा रखी है इसके नीचे। सर हमसे 500 की सिल में बेचते थे सर, मैं फिर वही बात कहता हूँ, ज्यादा के बारे में मत सोचो, थोड़े के बारे में सोचो, थोड़े से ज्यादा वैरायटी। देखो गिनती हमेशा एक से शुरू होती है, छत तक जाने के लिए अगर 15 सीढ़ी है ना तो 15 एक साथ आप नहीं चढ़ सकते। मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई साहब, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे ना तो जो बिल्डिंग की नींव है ना वो हमेशा मजबूत बनी रहेगी। ये आया 350 में। पहले आप इसका देखो कलर चार्ट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, ये आएगा पूरा पाकिस्तानी सूट। जरा भाई साहब ध्यान से दिखाना, नीचे से लेके शुरू करना और देखना जरा, कपड़े पे हाथ डालना, चीज में हाथ डालना, काफी अच्छा। इसकी जो लेस है ना कम से कम 100 रुपए की लेस है जो नीचे लगा रखी है, और मैं आपको पूरा सूट दे रहा हूँ मात्र 350 का। अरे भाई साहब अभी तो दुपट्टा देखो जरा इसका, प्योर मशलीन का दुपट्टा आएगा भाई साहब, दुपट्टा 400-500। ये देखो जरा दुपट्टा देखो प्योर मशलीन का, कितने का बेचना है आपको, मात्र 400 रुपए के अंदर। आप 600 का 700 का सोच सकते हो, वो आपकी सोच है, लेकिन मैं सोच को बहुत प्रेशर बना के आप तक नहीं पहुंचा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से आप तक पहुंचा रहा हूँ। अभी देखो इसका कलर चार्ट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अभी जो मैंने आपको दिखाई आइटम, इसको कैसे आपको सेट करना है पहले मैं वो बताता हूँ आपको। आपको चारों आइटमों को क्लब करना है, 280, 300, 320 और 350, भाग करो चार से, कितने की एवरेज आई, 312 रुपये 50 पैसे की, माइनस करो 400 इंटू में करो 5 इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब 26,250 रुपया। मात्र 25,000 रुपये लगा के 60 दिन के अंदर मात्र 5 सूट बेच के आप 25,000 रुपये लगा के 26,250 रुपये अपने घर में लेके जा सकते हो। और अगर भगवान ने आपका साथ दिया और आपकी मेहनत अगर जज्बे के लायक है और आप दिल से मेहनत करते हो और अगर आपने 5 की जगह 10 बेच लिए तो उसको 200 और गुणा कर दो भाई साहब, कितने हो गए 52,500। और अगर आपने बहुत मेहनत करी और अगर 15 बेच लिए तो भाई साहब ये समझ लो आप कि हो गए 78,750 रुपये। अब मैं आपको दिखाता हूँ, घुमाओ कैमरा, ये मेरे बाबू हाथ में आया 350 का, जी सर। ये मेरे बाबू के हाथ में आया 320 रुपए वाला, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 300 वाला, एक लड़का और आओ, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 280 वाला। अब घुमाओ जरा कैमरा और मुझे बता कौन सा सूट ऐसा है जो 400 में नहीं बिक सकता। सभी सूट बिक जाएंगे सर। भाई साहब किसी रिटेल काउंटर पे जाओगे ना तो आपको कोई भी सूट 500 से कम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और मैं आपको चारों के चारों आइटमें दूंगा, 12 महीने दूंगा, 300 दिन दूंगा, आप पेट भर के मांगो मैं पेट भर के आपको दूंगा। यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया 400 वाला, डालो बेटा नीचे।
अब थोड़ा आगे चलते हैं, फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं आपको 450 का। देखो राजी, मैंने जिंदगी में क्या सीखा है, मुझे 43 साल हो गए, अब 43 साल अगर मुझे कपड़े के व्यापार में हो गए तो बहुत सारे उतार चढ़ाव तो मैंने भी देखे होंगे ना भाई साहब जी। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से 140 करोड़ जनता को कहना चाहता हूँ, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, समय कभी उत्तम नहीं होता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और ये जो कपड़े का व्यापार है ना, ये आपके खराब समय को भी इतना बेहतर और इतना मतलब समझ लो कि आपके परिवार के लिए एक ऐसा जरिया पैदा करके देगा कि आपको वाकई में लगेगा कि कपड़े के व्यापार से बढ़िया और कपड़े के व्यापार से बेहतर कोई काम नहीं है दुनिया। जब तक बिजनेस चलना चलना सर, जब तक इंसान का वजूद है, देखो दुनिया कहती है रोटी के बाद कपड़े का नंबर आता है, मैं अकेला इंसान हूं जो ये कहता हूं कि कपड़े का जो नंबर है ना वो रोटी से भी पहले आता है। इंसान जब नहा धोके बाहर आता है ना भाई साहब, तो पहले कपड़ा चाहिए उसको। दो दिन बिना रोटी के रह सकता है, दो मिनट बिना कपड़े के नहीं रह सकता। तो कपड़े का व्यापार तो अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं 450 का, उसके अंदर क्या करना है, आपको दो आइटमें और बढ़ानी है। पहली आइटम मैं आपको दिखा रहा हूं, राजी जरा सूट देखना, बहुत ध्यान से दिखाना पहले। मैं ये सूट आपको बाजार में 750 रुपये से कम नहीं मिलेगा और मैं आपको दे रहा हूँ बेचने के लिए कितने का, मात्र 450 रुपये में बेचना है आपको। मैं दे रहा हूँ आपको मात्र 380 रुपये में। देखो जरा आइटम, अभी तो इसका दुपट्टा देखो भाई साहब, जरा आप ये देखो इसका दुपट्टा, आइटम देखो जरा आप, ये देखो जरा चीज़, मात्र 380 का सूट है और 450 में आपको बेचना है। अभी देखो इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक आइटम मैं आपको और दिखाता हूँ 380 में, भाई साहब पूरा 3 हेड का काम आएगा, मतलब हैवी से हैवी अगर 100 किलो की भी लेडी होगी ना तो उसके सूट में दामन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मात्र 380 रुपये में। देखो ज़रा कॉन्सेप्ट, और ये देखो इसका आप प्योर स्प्रिंकल किया हुआ दुपट्टा, देखो ज़रा आइटम, ये देखो ज़रा चीज़, देखिए फुल साइज़ का दुपट्टा है सर। सर यहाँ साइज़ का तो कोई इशू नहीं है, खाली एक आइटम है 120 वाली जिसको लेने देने वाला सूट कहते हैं, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो भाई साहब इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, कितने का बेचना है आपको, मात्र 450 का। लेकिन 450 का फॉर्मूला आपको सेट करना है तो उसके लिए आपको एक आइटम इसमें और मिलानी पड़ेगी, वो मैं आपको दूंगा मात्र 400 रुपये। देखो ज़रा चीज़ कॉन्सेप्ट, देखो ज़रा भाई साहब कितने का है, मात्र 400 रुपये। तो पहले, अरे भाई साहब पहले तो दुपट्टा देखो आप, इसको दुपट्टा ही नहीं मिलेगा 400 रुपये में। देखो परिवार की विशेषता क्या है वैसे देखो, देखो सर राधे राधे परिवार वैसे तो अपने आप में भगवान के नाम से शुरू होता है, भगवान के नाम पे खत्म होता है, तो अपने आप में स्पेशल। लेकिन राधे राधे परिवार की सबसे बड़ी USP क्या है कि हम फर्क नहीं करते किसी के लिए भी जी। कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई पुराना हो, कोई नया हो, कोई दूर से आए हो, कोई पास से आए, सब हमारे लिए सब बराबर है। हम कपड़ा खुद बनाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और सोच हमारी एक ही है कि अगर कोई राधे राधे परिवार से जुड़ता है ना तो कोशिश ये रहती है कि वो जुड़ा रहे जिंदगी भर, चाहे कोई 10,000 का माल ले चाहे 1,00,000 का माल ले, सर 10,00,000 का क्या 1 करोड़ का भी कपड़ा लोगे ना तो हमारी नजर में कोई फर्क नहीं करते। हमारी सोच क्या है भाई साहब, कपड़े का व्यापार एक दिन का नहीं जिंदगी भर का, बिल्कुल सर। तो जो जुड़ा है वो जुड़ा रहे और अगली बार आए तो 4 लोगों को साथ में लेके आए, हमारी सोच हमेशा यही काम करती है। अब मैंने आपको पहला आइटम दिखाया 400 रुपये में, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका कलर चार्ट, ये देखो जी, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ 400 रुपये में, 400 रुपये में भाई साहब 750 से कमती का आर्टिकल नहीं मिलेगा पूरे बाजार में, पूरा 3 हेड का काम आता है भाई साहब। ये देखो जरा चीज, कितना पार्टी, कितने का सूट है भाई साहब, मात्र 400 रुपये का सूट है, 400 का। और आपको 1,900 का नहीं बेचना है, मात्र 450 में बेचना है आपको, 700-800 को बिकता है ऐसा सूट, आप बेचो सर, वो आप बेचो, वो आपकी सोच है जी। लेकिन सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बरगला रहा हूँ, बिल्कुल मैं प्रेशर बना रहा हूँ। मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई साहब, थोड़े के बाद ज्यादा की गुंजाइश होती है, ज्यादा के बाद थोड़े की गुंजाइश कभी नहीं होती जिंदगी में। ये देखो भाई साहब इसका दुपट्टा देखो जरा, आपके भाई 400 रुपये में आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा, पूरा हैंडवर्क का दुपट्टा है। और कितने का बेचना है आपको, मात्र 450 रुपये का सूट बेचना है आपको ये। अभी देखो इसका कलर चार्ट। अच्छा राजीव मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से भगवान ने इंसान को बनाया जी, लाइफ तो भगवान की दी हुई है ना, तो भगवान गारंटी वारंटी देता है कितनी बार 100 साल जिंदा रहेगा, तो 125 साल जिंदा रहेगा, उसका जो तात्पर्य था उसने धरती पे आपको भेज दिया, तो कर्म तो आपको ही करना है ना। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लाइफ जो होती है ना कभी गारंटी या वारंटी नहीं देती, लाइफ हमेशा देती है मौका, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। और जिस आदमी ने, जिस इंसान ने उस मौके को पकड़ लिया, उसको कैच कर लिया, उसको ग्रैब कर लिया, तो भाई साहब वो कहीं से कहीं पहुंच गया। और ये राधे राधे परिवार भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से 140 करोड़ जनता को वो मौका देना चाहता है कि वो अपने परिवार की जिंदगी को अगर बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो वो जुड़े राधे राधे परिवार से। और कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो दो बातों की गारंटी मैंने आपको पहले लिख के दे दी, नुकसान लग जाए मैं बैठा हूं, काम नहीं चले मैं बैठा हूं। और तीसरी, किसी भी चीज की किसी भी व्यापार में जगह ही नहीं है, या तो वो काम चलना चाहिए और नुकसान उसमें नहीं लगना चाहिए। अब मैंने आपको दिखाया 400 रुपए का कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको दिखाता हूं इसका फॉर्मूला कैसे काम करता है।
देखो इसमें आपको चार आइटमें मिलानी है, 320, 350, 380 और 400। इसको करो चार से भाग, आपके घर में पड़ेगा 362.50 रुपये का। माइनस करो 450, इंटू में करो 5, इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब? 26,250। अब घुमाओ कैमरा, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 400 वाला सूट जी। ये मेरे बाबू के हाथ में आया 380 वाला सूट, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 350 वाला, और इस बाबू के हाथ में आया 300 वाला सूट, 320 वाला, 320, 350, 380 और 400, इन चारों को मिलाओ। अब मुझे ईमानदारी से राज जी, अपने भगवान को, अपने खुदा को हाजिर नाजिरदार के बोलना, कौन सा आइटम ऐसा है जो इन चारों में से 450 में नहीं बिक सकता? कोई भी बिक जाएगा सर। वैसे रिटेल काउंटर पे जाओगे ना, किसी फुटकर की दुकान पे, तो 750 से कमती सूट नहीं मिलेगा आपको, और मैं आपको दे रहा हूँ मात्र 450 में बेचने के लिए, और वो खाली 5 सूट। ये सोच है राधे राधे परिवार की, डालो बेटा नीचे। देखो राज जी मैं एक बात बताता हूँ, जिंदगी में हमेशा याद रखना, दिए की जो रोशनी होती है ना, उसको भी अगर सही दिशा दिखाई जाए तो सूरज की रोशनी के बराबर काम करती है। और ये दिशा में जो आपको दिखा रहा हूँ, जो डायरेक्शन, जो गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ ना, मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर ये वीडियो ईमानदारी से आप तक पहुँचा है और ये कंटेंट आपके मतलब का नहीं है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि 3 ऐसे लोगों तक पहुँचा दो जो इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो उन तक पहुँचे जिन तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मैंने फार्मूला दिखाया आपको 450 का, अब मैं फार्मूला आपको दिखाता हूँ 500 रुपये का। उसके अंदर आपको क्या करना है, दो आइटमें और मिलानी है, मतलब दो आइटमें पीछे की और दो आइटमें आगे की। अब सबसे पहले मैं आइटम दिखाऊंगा आपको, पहले मैं सूट दिखाऊंगा, इसका नाम है पापा की परी, ठीक है। पाकिस्तानी सूट है, पूरा तो बैक पे काम है, पूरा बाजू पे काम है, पूरा फ्रंट पे काम है, और पूरा दुपट्टे पे काम है। लो जी लो, मैंने पहला इसका दुपट्टा ही खोल दिया, देखो ज़रा चीज़ आइटम, देखो ज़रा भाई साहब कितने का भाई साहब ये, ना 900 का, ना 800 का, ना 700 का, ना 600 का, ना 500 का, ना 450 का, मात्र 420 रुपये का सूट है जो आपको बेचना है मात्र 500 रुपये में। अभी देखो इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, कितने का, 420 का, वो खुला सूट, खुल जा सिम, देखो ज़रा चीज़ राजीव का, डम्मी को बना दो गले वाला सूट। अगर ये सूट आपने अपने दुकान पे काउंटर पे डम्मी को बना दिया ना, तो कम से कम 1500 रुपये का सूट है भाई साहब ये, और मैं आपको दे रहा हूँ मात्र कितने का, मात्र 420 रुपये का। 420, देखो जरा कॉन्सेप्ट, देखो जरा इसका दुपट्टा डाल बेटा सूट, जरा कितना प्यारा, देखो जरा चीज, मेरी सोच क्या है राजीव, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं कपड़ा बेचने में यकीन नहीं करता, मैं तो आपसे बिकवाने में यकीन करता हूँ, क्योंकि आपका बिकेगा भाई साहब तभी मेरा बिकेगा, पहले फायदा आपका फिर राधे राधे परिवार का। इसी वजह से मैं सारी सोच आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं एक बार भी नहीं बोलूँगा स्क्रीन शॉट ले लो, ऑर्डर कर लो, 5,000 का मंगा लो, 10,000 का मंगा लो, मेरा माल खत्म हो जाएगा, मार्केट में रेट बढ़ जाएगा। भाई साहब मैं तो कपड़ा अपना बनाता हूँ, ना तो मेरी कोई चीज़ कभी खत्म होती, ना मेरा रेट कभी ऊपर नीचे होता। मैंने आपको दिखाया मात्र 420 का, अभी इसका दिखा तो मैं आपको कलर चार्ट, देखो जी दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का जो 500 वाला फार्मूला है, इसी रेंज में डालने के लिए आपको एक आइटम दिखा रहा हूं 450 की। सर जीएसटी की जरूरत नहीं है कपड़े के काम के लिए? देखो मैं कपड़े का व्यापार करता हूं, तो मैं कपड़े के व्यापार के बारे में आपको बता सकता हूं, कपड़े के व्यापार के लिए जीएसटी नंबर इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। आधार कार्ड के ऊपर 75 लाख रुपया, कितना, 75 लाख साल का व्यापार बिना जीएसटी के आप कर सकते हो, तो मन में कोई शंका, कोई शुभा, किसी भी तरीके का डाउट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो, तो जरूरी क्या है, जीएसटी नंबर जरूरी नहीं है, जरूरी खाली एक चीज है कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा, क्योंकि कपड़ा जितने हाथों में से निकलेगा ना भाई साहब, उतना ही महंगा होता चला जाएगा, और जितना महंगा आपको मिलेगा या तो साला बिकेगा नहीं, और बिक गया तो ग्राहक दोबारा वापसी आपके पास आएगा नहीं। अब मैं आपको आइटम दिखा रहा हूँ 450 की, 450 की, देखो जरा चीज भाई साहब, दुपट्टा नहीं मिलेगा आपको 450 में, और मैं पूरा सूट दे रहा हूँ आपको 450 में। ये 500 का मैं बेचना सर, मात्र 500 का जी। आप बेचो 900 का जी। वो आपकी सोच है, ठीक है। आप बेचो 1,000 का, वो आपकी सोच है, एरिया के हिसाब से। लेकिन मेरे पास जब कोई चीज खत्म होती नहीं है, मेरा रेट कभी ऊपर नीचे होता ही नहीं है, तो भाई साहब थोड़े में ज्यादा बेचो ना। मैंने आपको 5 बताए, आप 25 बेचो, और मेरे फॉर्मूले को 5 से गुणा कर लो, साल के 365 दिन मिलेगा ये सूट, हमेशा मिलेगा, और इसी रेट से मिलेगा भाई साहब। जब आप अच्छा चलो देखो सर, लकड़ी का बर्तन, काट की हांडी, कभी बार बार छटती है, नहीं छटती है ना। घुमाओ कैमरा, मैंने कितने का बताया भाई साहब आपको, 450 का। खड़े उदाहर जी, जरा ये मेरा बाबू गया जी, दिखाओ आप, दिखाओ कैमरे पे, 450 और लाओ बेटे गड्डी, और लाओ इसकी 450 रुपये में, देखो और कहाँ लग रही गड्डी इसकी, निकालो गड्डी, फिक्स रेट की दुकानदारी। देखो भाई साहब ये बाबू ऊपर चढ़ गया, ये देखो जरा ये दो गड्डी और लेके आया जी भाई साहब। हाथ कंगन को फारसी नहीं, और पढ़े लिखे को फारसी नहीं,
मैंने क्या बताया भाई, कान पकड़ता हूँ ना तो कसके पकड़ता हूँ, लेकिन सीधा पकड़ता हूँ, घुमा के कभी नहीं पकड़ता। अगर 450 का दिखाया है तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई आएगा तो उसको भी 450 का मिलेगा। यहाँ पर सोच वो नहीं है कि दिखाया कुछ और निकला कुछ, हुआ कुछ और हो गया कुछ। ये देखो भाई साहब, अभी देखो इसका कलर चार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, कितने का, मात्र 450 का, जो आपको बेचना है 500 रुपए में। 500 रुपए में देखो जरा चीज देखना भाई साहब, जरा काफी अच्छे से सूट दे रहे हैं, सूट खोलते हुए भी हाथ कांपते हैं। बाजार में 900-900 रुपए के बिकते सूट, हमारे पास में मिलेगा आपको 450 रुपए में। अभी देखो भाई साहब इसका दुपट्टा, देखो राजी मैं अपना स्वार्थ बताऊं, मेरा स्वार्थ क्या है वीडियो डालने का, मेरा स्वार्थ ये है कि मैं कपड़ा अपना बनाता हूं जी। और मेरी जब फैक्ट्री चलती है ना तो उसमें अगर 100 सूट की प्रोडक्शन आती है और वो अगर 200 में आती है, अगर सूट वो उसके 200 हो जाते हैं तो 190 का हो जाता है, अगर वो 400 हो जाते हैं तो 180 का हो जाता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग लाइन में क्या होता है राजी, एक ट्रॉफी 15 पैसे की, दो ट्रॉफी 25 पैसे की और तीन ट्रॉफी 30 पैसे की। मतलब जितनी क्वांटिटी बढ़ती है ना उसकी कॉस्टिंग उतनी कम आ जाती है। तो मेरे से आपको जुड़ के फायदा हमेशा ही मिलेगा, क्योंकि जितना आप मेरा कपड़ा बेचोगे उतनी मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी, जितनी मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी मेरी कॉस्टिंग कम होगी, और जितनी मेरी कॉस्टिंग कम होगी उतना मैं आपको सस्ता दूंगा, और जितना सस्ता मैं आपको दूंगा उतना आपका ज्यादा बिकेगा। देखो सर, दो और दो चार होते हैं और दो दुनी भी चार होते हैं, तो राधे राधे परिवार में दो और दो चार और दो दुनी चार होते हैं, दो और दो 22 नहीं होते। जो बताऊंगा ना तर्क के साथ बताऊंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा, घुमाना फिराना मुझे नहीं आता। अब जो मैंने आपको आइटम दिखाया, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आपको करना क्या है, चारों आइटमों को क्लब करना है, 380, 400, 420 और 450, भाग करो चार से, आपके घर में पड़ा 412.50 रुपए का, माइनस करो 500 इंटू में करो 5 इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब, 26,250। अब घुमाओ कैमरा, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 450 का, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 420 का, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 400 वाला, और ये मेरे बाबू के हाथ में आया 380 वाला। अब राजीव मुझे ईमानदारी से बताओ, डंके की चोट पे बताओ, लाल किले की प्राचीर पे खड़े होके प्रधानमंत्री भाषण देता है ना, वहां खड़े होके बताओ कि कौन सा सूट ऐसा है जो 500 में नहीं बिक सकता। कोई भी बिक जाएगा भाई साहब, 800 का बेचोगे ना तो 800 का बिक जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, थोड़े के बाद ज्यादा मिलेगा तो आपको खुशी होगी, क्योंकि मेरी कोई चीज कभी खत्म नहीं होती, ना मेरा रेट कभी ऊपर नीचे होता। तो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया 500 का, अब थोड़ा फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, अब दिखाएंगे आपको 550 वाला, ठीक है। अब उसमें क्या है पहले मैं वो बता दूं, ये आइटम आएगा 500 रुपए में, ठीक है। जरा ये आएगा पाकिस्तानी सूट, पापा की परी, ठीक है। ये पूरा नोट का काम है, गांठ का काम है, हाथ का काम है, मतलब ये जितना भी आप ये देख रहे हो ना, इसमें मशीन का कोई रोल नहीं है, सब हाथ का काम है ये। अब पहले आप इसका देखो दुपट्टा, कितना अच्छे पार्टी वेयर सूट निकाले सर, नया डिजाइन आते रहता है सर आपके सर, हमारे पास ना तो कोई चीज़ कभी खत्म होती, और मार्केट का जो लेटेस्ट से लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है ना वो 12 महीने मिलेगा आपको, 300 दिन मिलेगा। मतलब मार्केट में कोई चीज़ उतरती है ना तो सबसे पहले राधे राधे परिवार से उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि हम कपड़ा अपना बनाते हैं। अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया 500 रुपए में, अभी देखो आप इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा जी, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, राजीव दुपट्टा नहीं मिलेगा आपको 600 रुपए से कम में, आपको 600 में दुपट्टा नहीं मिलेगा भाई साहब, मैं आपको पूरा सूट दे रहा हूँ मात्र 500 रुपए में। देखो जरा 500 रुपए में पूरा सूट, देखो जरा कॉन्सेप्ट, दुपट्टा देखो जरा इसका, क्या बात है, आपको बेचना है मात्र कितने का, मात्र 550 रुपए। अब देखो इसका कलर चार्ट, ये देखो जी, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आपको करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको चार आइटमें मिलानी है, 380, 400, 420, 450 और 500, भाग करो चार से, इंटू में करो 5, इंटू में करो 60 जी, 400, 420, 450 और 500। ये पड़ी आपके पास 1770 रुपए की, भाग करो चार से, एक सूट पड़ा आपके घर में 442.50 रुपए का, माइनस करो 550, एक सूट में नफा आया 107.50 रुपए का, इंटू में करो 5, इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब, 32,250 रुपए। अब घुमाओ कैमरा, ये बाबू के हाथ में आया 500 रुपए वाला, ये बाबू के हाथ में आया 450 रुपए वाला, ये बाबू के हाथ में आया 420 रुपए वाला, और ये बाबू के हाथ में आया 400 वाला। इन चारों आइटमों को आपस में क्लब कर दो और एवरेज आएगी आपकी 442.50 रुपए की, और आपको बेचना है मात्र 550 रुपए, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया राज जी, 200 से लेके 550 तक। अब जो आइटम मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, वो आपको अपने हिसाब से बेचना है। वो आइटमें मेरी 550 से 750 के बीच की है, ठीक है। मैंने आपको रेंज पहले बता दी, लेकिन उसमें मैं आपको रेंडम दिखाऊंगा, क्योंकि अगर सारी वैरायटी दिखाने बैठूंगा ना तो वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मेरी सोच क्या है, मेरी सोच एक ही है, मेरे को अपनी जो 43 साल की जर्नी, जो एक्सपीरियंस है ना, वो आप तक पहुंचाना था, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब मैं आइटम दिखाऊंगा आपको 550 से लेके और 750 के बीच की, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है,
कोई इसके अंदर मैं आपको कैलकुलेटर नहीं चला के दिखाऊंगा, सिर्फ सोच आपको बनानी है। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि यार सामने वाले पे 120 के बाद 500 पे आके वैरायटी खत्म हो गई। यहाँ वैरायटी मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया, 120 से शुरू होती है और 1500 पे आके खत्म हो जाती है। और स्टार्टिंग में जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने आपको पूरा करके दिया। मैंने वीडियो के दौरान एक बार भी नहीं बोला कि भाई साहब कपड़ा मंगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 5000 का मंगा लो, 10000 का मंगा लो, मेरा माल खत्म होने वाला है, मेरा रेट बढ़ने वाला है। भाई साहब छाती ठोक के बोलता हूँ, कपड़ा अपना बनाता हूँ। जिंदगी में दो बातों का याद रखना, जो अपना बनाता होगा ना, मैन्युफैक्चरर होगा, ना तो उसकी कोई चीज़ कभी खत्म होगी, ना उसका रेट कभी ऊपर नीचे होगा। और ये सोच राधे राधे परिवार की है, अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो मैं नहीं कहता मुझसे खरीदो, मैंने एक बार भी नहीं बोला मुझसे खरीदो जी। मैं बोलता हूँ कपड़ा वहाँ से खरीदो जहाँ से वो चीज बनके निकली है, ताकि आपका पैसा जो आपने लगाया व्यापार में वो पूरा आपके पास वापस आ जाए प्रॉफिट की शक्ल में। मैं आपको दिखाता हूँ रैंडम वैरायटी, ये देखो जी, डालो बेटा सूट डालो। सर वैसे कपड़े के व्यापार में कोई सीजन होता है? कपड़े के व्यापार का कोई सीजन नहीं है जी। 12 महीने 300 दिन 2400 घंटे कपड़े का व्यापार चलता है। कपड़े के व्यापार में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लोग चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाते हैं, रक्षाबंधन स्पेशल, दिवाली स्पेशल, नया साल स्पेशल, रमजान स्पेशल। रमजान, दिवाली, रक्षाबंधन पे काम क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। बिल्कुल, कपड़ा 12 महीने बिकता है, 300 दिन बिकता है, तो दिमाग पे, खोपड़ी पे अभी तो माँ जी सटक ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 महीने चलेगा कपड़े का व्यापार भाई साहब आपको। देखो राज जी, सूट कितने का है? मात्र 550 रुपये। 550 डालो बेटा, सूट डालो फटाफट, जरा चारों पीस डालो। मैं आपको कलर चार्ट भी दिखा रहा हूँ, हाँ, साथ में डिजाइन भी दिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लगता चला जाए। 550 अभी देखो जरा भाई साहब, पकड़ो सूट, ये देखो जरा भाई साहब आइटम जी। सर डबल रेट में बिकते हैं वाले सूट? सर जैसे मर्जी बेचो ना, मैंने फॉर्मूला खत्म कर दिया। हाँ जी। देखो मैं आपको बताऊं राजी, मैं सोच क्या रखता हूं कि हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ की आबादी है ना, उसमें से 135 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी की रेखा के आसपास झूलते हैं या तो मिडिल क्लास है। तो मैं फॉर्मूला 550 पा के खत्म इसलिए कर देता हूं, क्योंकि ये जो बिक्री है ना 550 वाली, ये हर आदमी के पड़ते में आती है। इसके बाद की जो बिक्री है ना वो थोड़ा कम लोगों के पड़ते में आती है। अभी दिखाया मैंने आपको 550 का। अब यहाँ से जो वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ ये 550 से लेके 750 के बीच में है। और व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे सारी वैरायटी आपके पास में आ जाएगी। देखो जरा चीज, ये देखिए कितना अच्छा सूट, आइटम देखो जरा, कॉन्सेप्ट देखो जरा, काफी अच्छी वैरायटी रहती है सर आपके पास। ये देखिए, देखो जरा भाई साहब, वीकली बाजार से लेकर शॉप मॉल तक हर वैरायटी मिलेगी। सर देखो आप कब, देखो आप, मैं एक बीच चीज बताना भूल गया जी। कपड़े के व्यापार कोई भी कर सकता है जी। कपड़े के व्यापार में कोई शर्त नहीं है, ना तो रुपए पैसे की शर्त है कि आपको 2 लाख रुपए लगाने हैं, ना जगह की कोई शर्त है, कहीं से भी कर सकते हो आप। हाँ, आप फेरी कर सकते हो, आप बाजार लगा सकते हो, आप घर से बेच सकते हो, आप ऑनलाइन बेच सकते हो, आप दुकान कर सकते हो, आप शोरूम कर सकते हो, आप सेल लगा सकते हो। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई की कोई शर्त नहीं है। जिस आदमी को भी नोट गिनते आते हैं ना, अब तो सरकार ने नोट वैसे भी कम कर दिए, 2000 का गायब हो गया, 1000 का गायब हो गया, क्या बचा? खाली 6 नोट बचे, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का और 500 का, जो 6 नोट तो बचे। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई की कोई शर्त नहीं है, उसके बाद जेंडर की कोई शर्त नहीं है। कोई इंसान 4 लड़कियां अपने नीचे रख के उनसे फेरी करवा सकता है। तो कपड़े का व्यापार भाई साहब बहुत फ्लेक्सीबल है, इसमें इतनी फ्लेक्सीबिलिटी है कि किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ये देखो जरा कॉन्सेप्ट देखो जरा भाई साहब, चीज़ देखो जरा, मैंने आपको सबकी रेंज बता दी, 550 से लेकर 750 के बीच सूट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सारे के सारे जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप 12 महीने मिलेगी आपको सारी चीज़ें। बस अब देखो ज़रा भाई साहब आइटम, कॉन्सेप्ट देखो ज़रा, ये देखो ज़रा आइटम, देखो राजी, सोच मेरी मैंने आपको बता दी। अगर आप तक पहुंचती है, आपको अपील करती है, आपको अच्छी लगती है, आप कपड़े का व्यापार, बस आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो, तो सोच मैंने आपको बता दी। आपको कपड़े का व्यापार करना है तो दो तरीके हैं, या तो अपने पैसे का मूल्यांकन, जो आपने अपनी मेहनत का पैसा लगाया है वो पलट के आपके पास वापस आ जाए, या वो पैसा आपका बर्बाद हो जाए जी, वो सोचना आपका काम है। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, सारे फॉर्मूले बताए, सारी वैरायटी बताई, कपड़े के व्यापार की परिभाषा बताई, बेचने के तरीके बताए। अगर आपको अच्छा लगा हो, आप जुड़ना चाहते हो राधे राधे परिवार से, तो संडे की छुट्टी होती है, रोज़ खुलता है 12 बजे, 12 से 8 का टाइम है, 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करेंगे, 1 नंबर व्हाट्सअप का है, वैरायटी देखनी हो, डिज़ाइन कलर देखने हो, रेट के साथ में, तो उस व्हाट्सअप पर हेलो लिख के मैसेज डालो, सारी वैरायटी आप तक पहुँच जाएगी। आप दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल करोगे तो 12 से 8 के बीच में चांदनी चौक में पराठे वाली गली पर आके कॉल करोगे, तुम्हारा लड़का आपको लेके भी जाएगा, उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है तो आपको छोड़ के भी आएगा। ठीक है। अब वीडियो आपको कैसा लगा, आप फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शबक है, थैंक यू सर, अच्छी वैरायटी दिखाने के लिए।